हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, देखिए दोस्तों मेरे पास डिस्कवर गाड़ी है, ये देखिए दोस्तों डिस्कवर गाड़ी है। इसमें क्या दिक्कत है कि दोस्तों इसमें सेल्फ नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ चला करके कि सेल्फ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए दोस्तों न्यूट्रल है और ये मैंने सेल्फ दबाया और ये लाइट चली गई। ठीक है दोस्तों, इसमें यही दिक्कत आ रही है कि दोस्तों इसमें सेल्फ नहीं चल रहा है। तो इसको हम किस तरीके से सही करेंगे, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें ये न्यूट्रल लाइट जल रही है और जैसे ही हम सेल्फ का बटन दबाते हैं, ये देखिए दोस्तों ये न्यूट्रल लाइट इसकी बंद हो जाएगी। देखिएगा, ये देखिए दोस्तों न्यूट्रल लाइट बंद हो गई है। ठीक है दोस्तों, और इसको हम ऑफ़ करेंगे फिर ऑन करेंगे तो इसकी न्यूट्रल लाइट नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसको किस तरीके से सही करें तो आज की वीडियो हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसका सेल्फ सही है कि ख़राब है। ठीक है दोस्तों, सेल्फ चेक करने के लिए ये हमको ये डिस्कवर में ये होता है रिले, इस तरीके का रिले होता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे हम चेक करेंगे, इसके नक्के तो कहीं ढीले नहीं हैं। तो दोस्तों इसके नक्का का सब चेक कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमने यहाँ से ये हिलाया तो ये लाइट आ गई है, और फिर हम सेल्फ दबाते हैं और देखिए दोस्तों कि अब इस तरीके की आवाज़ आ रही है। ठीक दोस्तों, ये देखिए दोस्तों सेल्फ लोड नहीं ले रही है, इसका मतलब बैटरी का पावर इसमें कम मिल रहा है। तो दोस्तों हम चेक करेंगे कि बैटरी के नक्के तो ढीले नहीं है या फिर इसमें और कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसके पहले सारे कनेक्शन चेक कर लेंगे। तरीके से टाइट कर लेंगे और चेक कर लेंगे। तो दोस्तों इसकी लाइट आ गई है फिर हिलाने से, अब हम दबाते हैं, ये देखिए दोस्तों फिर चली गई है। ठीक दोस्तों, यही दिक्कत आ रही है। तो हम डायरेक्ट लगा के चेक कर लेते हैं कि बैटरी इसके डिस्चार्ज है कि सही है। तो ये डायरेक्ट हमने लगाया और दोस्तों देखिए बैटरी इसकी सेल्फ नहीं उठा रही है। तो दोस्तों आप इसमें चेक कर सकते हैं, इसके नक्के बैटरी आईडी के नक्के चेक कर सकते हैं हिला हिला के। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से नक्के चेक कर सकते हैं और नक्के चेक करके हिला हिला के चेक कर सकते हैं। इसमें कार्बन तो नहीं आ गया। तो दोस्तों देखिए ये सही हो गई है, तो देखिए दोस्तों स्टार्ट हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों क्या दिक्कत थी, इसमें दिक्कत ये थी कि इसमें ये जो है, इसमें ये वाली तार में जो है कार्बन आ गया था। तो इसको हम खोल के साफ़ कर देंगे और आपको दिखाएंगे कि इसकी गाड़ी की बैटरी स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसको हम टाइट भी कर देंगे और ये हम साफ़ करके नक्का लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें ये दिक्कत आ गई थी। तो दोस्तों इसका हमने कार्बन की जो कार्बन लगा था ये साफ़ कर दिया है, अब इसे हम दोबारा लगाएंगे और फिर चेक करेंगे दोस्तों कि इसका सेल्फ उठा रही है कि नहीं उठा रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कार्बन जो है ये लगा देंगे। तो दोस्तों ये हमने इसमें कार्बन, इसमें क्या दिक्कत थी वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हम चाबी ऑन करते हैं। पहले इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि इसकी जो न्यूट्रल लाइट थी ये सेल्फ मारने पे बंद हो जा रही थी। अब देखिए दोस्तों ये हमने सेल्फ मारा और ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको हमने किस तरीके से सही किया ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें जो था ये नक्के जो ये तारे जो ढीली थी, इसकी तारे जो ढीली थी हमने तारे टाइट कर दी और इसमें कार्बन लगे हुए थे। ये देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा, इसका कार्बन हमने साफ़ किया था और ये ढीला था तो इसको भी हमने टाइट कर दिया। ठीक है दोस्तों, सेल्फ लेने पे ये लोड नहीं ले रहा था तो इसको हमने मजबूती से टाइट कर दिया और इसका ये कार्बन हटा दिया, तो इसकी ये दिक्कत सही हो गई है। तो अब देखिए दोस्तों मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों अब स्टार्ट हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपको अगर आपकी गाड़ी में भी यही दिक्कत आ रही है, अगर सेल्फ दबाने पे आपकी न्यूट्रल लाइट चली जा रही है और सेल्फ आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी बैटरी के जो नक्के होते हैं ये दोनों नक्के टाइट कर लीजिएगा और कार्बन आर्बन जो इसमें लगा होता है ये कार्बन छुटा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को
लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।